गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज है छोटी होली। सबसे पहले आप सभी को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये त्यौहार बहुत सारी खुशियां लेके आए, खूब सारी मिठाइयों के साथ, रंगों के साथ होली इंजॉय कीजिएगा। तो आज का व्लॉग ना किसी डिफरेंट एकदम बैकग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है। वैसे आप लोग पहचान गए होंगे, जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं वो तो बैकग्राउंड देख के ही पहचान गए होंगे कि आज मैं कहाँ पे हूँ। तो एक्चुअली आज मैं आई हूँ थोड़ी सी देर के लिए, बिल्कुल निन्नू सी देर के लिए अपने मायके। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा काम था मार्केट में, और हाँ कल मुझे आप लोग के लिए एक वीडियो भी अपलोड करना था, लेकिन यार त्यौहार किस बात के होते हैं, इतना सारा काम होता है, इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी थी मुझे, कल इतना कुछ किया है कि मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही अच्छी पापड़ की रेसिपी की एक छोटी सी वीडियो अपलोड करने के लिए रखी हुई थी, लेकिन उसको एडिट करने की वजह से मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। और कल कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि कल बहुत कुछ बनाया है, गुजिया बनाई है और साथ में और भी बहुत कुछ बनाया, जो कि मैं आप लोगों को घर जब वापस जाऊँगी ना तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम था, और आज वैसे भी व्रत है छोटी होली का, और आज पूजा वाली होली होती है, और हमारा जितना भी घर का काम था ना, मतलब मिठाई वगैरह बनाने का, वो सब हम लोगों ने कल ही कर लिया था। तो इसलिए ना, एक मिनट में मास्क हटा देती हूँ, तो इसलिए फिर आज मैं फ्री थी, तो सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा मुझे मार्केट का काम था, और साथ ही मैं लेकर के आई हूँ मम्मी और के लिए थोड़ी सी गुजिया और मिठाई जो मैंने कल बनाई थी। एक्चुअली हमारे घर पे देखिए, शादी से पहले तो मेरा यही रहता था कि और कोई किसी को तो बनानी आती नहीं है गुजिया, तो मम्मी डैडी बहुत मिस करते हैं। तो जब गुजिया बनाई, हम लोग मार्केट भी आ रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना गुजिया लेकर के चलूँ, और चलिए सबको टेस्ट भी कराते हैं। ले लो और हेलो बोल दो सबसे पहले सबको। तो जी हम आ गए अपने मायके, अपने मम्मी डैडी के लिए लेके गुजिया, बिल्कुल घर की फ्रेश बनी हुई। क्योंकि देखिए अभी फिर से ना डोई वाले में थोड़ा सा कोविड का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और जगह भी थोड़े से केसेस स्प्रेड हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या है ना कि घर की बनी मिठाइयां ज्यादा बेटर हैं, बाजार का अवॉइड ही करना चाहिए। तो खा लो, थोड़ी देर पानी पी लो। कैसी बनी? थैंक यू, बहुत बढ़िया। और पता है मैं गुजिया भी लेकर के आई हूँ, और ये मैंने बनाई थी थोड़ी सी मिठाई, तो वो भी लेकर के आई हूँ। अब करेंगे डैडी टेस्ट, और डैडी की बहुत ज्यादा फेवरेट है गुजिया। जब मतलब शादी से पहले जब मैं बनाती थी ना गुजिया, बनाते जा रहे हैं साथ में, खाने का स्टार्ट हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। कैसी बनी? बहुत बढ़िया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो आप सभी को हम सब की ओर से हैप्पी होली। तो बस अभी थोड़ी सी देर हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट, क्योंकि शाम को पूजा का भी काम है, पूजा करेंगे। और बस सोचा आप लोगों को मम्मी डैडी से भी मुलाकात करा दूं। और भैया फूल इतने सुंदर, देखो बहार है, फूलों की बहार देखनी हो ना तो मेरी मम्मी के गार्डन में देख लो भाई, यहाँ पे आके इतने सुंदर सुंदर फूल आप देख सकते हो ना। देखो इस समय अगर स्प्रिंग सीजन का किसी को मजा लेना है, सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स का मजा लेना है, तो भाई यहाँ पर डाल लो एक चेयर और मॉर्निंग की चाय ले लो, और बस आनंद ही आनंद। देखिए आप लोग कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा बहार है ना, मतलब जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मन करता है, खुद से मन करता है कि यार थोड़ा सा शूट करो यार फूलों का, और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, आप लोगों को भी बहुत प्यारा लगता है ये छोटू सा गार्डन, तो सोचा आप लोग के साथ एक व्यू शेयर कर लूँ। तो
तो आप लोग को भी गार्डन का छोटा सा टूर देने के बाद मैं यहाँ मम्मी के पास खड़ी हुई हूँ। मम्मी मुझे दिखा रहे थे क्या क्या प्लांट्स उगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल रहे थे, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर दिया। और बस अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी, उसके बाद मुझे, मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट जाना है, छोटा मोटा सा कुछ सामान फिनिश हो रहा था मेरा, वो मुझे लेना है और फिर उसके बाद निकलना है सीधा घर के लिए, क्योंकि आज छोटी होली है तो हमारे यहाँ पर पूजा भी होती है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोग व्यू के नज़ारे लीजिए और आप लोगों से सीधा मुलाकात होती है घर पहुंच के। कुछ देर पहले ही मैं वापस आई हूँ मार्केट से, और बस अभी आते ही ना हम लोग पूजा की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि अभी शाम भी होने वाली है तो अभी पूजा का टाइम हो चुका, तो अब हम लोग जा रहे हैं होलिका की पूजा करने के लिए। और हमारे घर पर ही होली की पूजा की जाती है, यहीं पर ही होली लगाई हुई है, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो हम सब के हाथ में है पूजा की थाली, तो चलिए पूजा कर लेते हैं होली माता की, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा की जाती है, और देखिए सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ इसी तरीके से हम लोग करते हैं। पहले होलिका माता की पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद कच्चे धागे से हम लोग उनकी परिक्रमा करते हैं, और बस इसी के साथ हमारी पूजा जो है ना वो हर साल हो जाती है होली की। और यहीं पर हम लोग एक दूसरे को ना कलर भी लगाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और बस। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, सोचा आप लोग के साथ यहाँ का भी एक छोटू सा व्यू शेयर करूँ। और ये ना नोनो ने ली थी क्लिपिंग, वैसे अच्छी क्लिपिंग ली है, अच्छे से उसने दिखाया हम लोग को पूजा करते हुए, और होलिका माता की भी दर्शन अच्छे से आप लोग को करा दिए हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ टाइम, दिखा नहीं देती हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा अंधेरा है और इधर आ गए आशु। हैप्पी होली। तो हम दोनों की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, और मम्मी के घर से मैं बहुत जल्दी आ गई थी, कुछ ही देर वहाँ पर रुकी, फिर उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा काम था, और कल के व्लॉग में शेयर करूँगी जो चिटर पुटर लेके आई हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी टाइम हो गया है 7 बजे का, वहाँ से आने के बाद बस फिर हम लोग ना पूजा में बिजी हो गए थे, क्योंकि आज होली का दहन है तो होली की पूजा की जाती है और हमारे घर के पास में ही होती है। और उसके बाद पूजा करके आने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी खाने की तैयारी। तो ये बन रहे हैं मेरे जीरा राइस, और इधर बन चुकी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और बूंदी ले आए, बूंदी ले आए क्या? अच्छा लेने गए, तो आशु को मैंने बोला था बूंदी लेके आना, तो वो पास से लेने गए हैं बूंदी, क्योंकि साथ में बनेगा बूंदी का रायता। ये रहा दही, और साथ में बनने वाला है, नहीं बनने वाला नहीं है, बन चुका है राजमा, ये देखो। तो ये है आज का मेन्यू,
शिमला मिर्च की सब्जी, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, साथ में राजमा, जीरा राइस, रायता बूंदी का, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ पूरी, क्योंकि बच्चों को पसंद है। और पता है क्या, मेरे पापड़ भी सूख चुके हैं, ये देखो इनको मैंने ना यहाँ पर रख दिया। तो ये रहे हमारे सूजी के पापड़ जिनको हम कल तलेंगे, कल है बड़ी होली, और ये रहे साबूदाना के पापड़, तो ये भी सूख के रेडी हो चुके हैं। आजकल काफ़ी अच्छी खासी धूप निकलती है, वैसे लग गए इनको दो तीन दिन सूखने में, बहुत अच्छे से ना सूख के रेडी हो चुके हैं। इनको मुझे अभी ना कंटेनर में करके रखना है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको छत से लेके आई थी और बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो जी इनको भी रख लेंगे, खाना पीने की सारी तैयारी हो चुकी है। और मैंने आज ना खाना रेसिपीज आप लोग के साथ शेयर नहीं की, ये ब्लॉग को थोड़ा छोटा ही रहने दूंगी, क्योंकि होता है ना त्योहार में हम लोग लगे रहते हैं ये सब चीज़ों में। पहले मम्मी के घर गई, उससे पहले मॉर्निंग में थोड़ा सा घर का काम भी होता ही है, फिर मार्केट का काम किया भाग भाग के, वहां से आने के बाद फिर पूजा में लग गई, और फिर उसके बाद पूजा करके आते ही लग गए खाने वाने की तैयारी में। लेकिन अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं और मेरा ऑलरेडी सारा का सारा डिनर जो है ना वो बन के रेडी हो चुका। ये ले आए आशु बूंदी, लाओ। तो बूंदी भी आ चुकी, बस अभी रायता बन जाएगा और गर्मा गर्म पूरी मैं साथ में सेक दूंगी। एमी सबको हैप्पी होली तो बोल दो। हैप्पी होली। एमी के तो इतने बुरे हाल हो रखे हैं ना, इतना ज्यादा बुरा हाल एमी ने किया हुआ है पिचकारी लेके। और पता है आप लोग को, 4 पिचकारी निकाली हुई है, 2 इन लोगों की लास्ट ईयर की थी, 2 5 पिचकारी, 3 मेरी और 2 एमी की। इतनी सारी पिचकारी से खेल रहे थे। वैसे हम लोगों ने ना इनको मना कर दिया था कि एक दूसरे के ऊपर पानी नहीं डालना है, ऐसे ही खेले थे, मतलब प्लांट्स वगैरह के ऊपर पानी डाल के मस्ती करी खूब। मम्मा जो वो टूट गई थी ना वो सही कर दी। अच्छा चलो अभी टेबल लर्न करो, इसलिए आशु ने ना थोड़ी देर एमी को भी स्टडी करने बिठा दिया, क्योंकि सुबह से नहीं कल से पिचकारी बाहर निकलवा ली है और इतना दंगा मस्ती कर रहा है ना। आप लोग को पता है छोटे बच्चे कैसे करते हैं, हम लोग भी बहुत क्रेजी हुआ करते थे होली के लिए, इतना मतलब मजा रहता था ना होली का। लेकिन अभी नहीं, अभी ऐसा लगता है यार रंग वगैरह ना थोड़ा गंदा होने से बहुत बुरा लगता है मेरे को, अब उतनी अच्छी नहीं लगती है होली। लेकिन बचपन में मेरे ख्याल से सबको मजा आता है गंदे होने में, होली के रंग से खेलने में। अभी तो सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट करो, पूजा वगैरह करो और मीठा वगैरह बना लो, स्नैक्स वगैरह बना लो, तो इस वे में मुझे अभी अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को ना बहुत मजा आता है, तो चलिए अभी रायता बना लेते हैं। सोचा आप लोगों से बात भी कर लूं, क्योंकि मम्मी के घर से आके मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई थी, सीधा पूजा करने फिर हम लोग चले गए थे। चावल भी बन गए और अभी पूरी बनाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मैं ना ये कचरी जो है ना सारे पापड़ इनको स्टोर करके रख लूं, क्योंकि अच्छे से ना ये सूख चुके हैं और कल जब तलूंगी ना तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये वाले देखिए, ये हैं साबूदाना सूजी के पापड़ ये वाले, और ये जो आप लोग के साथ साबूदाना के शेयर किए थे ये वो वाले। जल्दी से बन गए थे, थोड़ा बहुत सूखने में टाइम लगा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आप लोग भी इन रेसिपीज को एक बार जरूर ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना। तो भी सारा काम हमारा फिनिश हो चुका, खाना भी बन के रेडी हो गया है। तो ये 2-4 बर्तन रखे हुए थे वो मैं खाने से पहले कर रही हूँ और फिर उसके बाद कर लूँगी खाने के बर्तन। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी थक गई थी, मॉर्निंग से व्रत भी था, फिर थोड़ा सा पूजा वगैरह का भी काम था। तो अभी ये है हमारे खाने की थाली, राजमा, साथ में जीरा राइस, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, पूरी, रायता, और ये रहे पापड़ जो मैंने तल लिए हैं। तो ये रहे सूजी वाले पापड़ और
है साथ में, जो येलो वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये है साबूदाना के पापड़। तो इनको भी मैंने तल लिया था और बहुत ही अच्छे कुरकुरे से पापड़ बन के रेडी हुए थे, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसको डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।